Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरी वन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइज, वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। 7 दिन काफी वाइटल होता है, ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियाक साइंस रीडिंग एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स फिर गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में अगले 7 दिनों तक किस तरह से होंगे। ये 7 दिनों में बहुत कुछ ऐसा घटनाएं हो सकते हैं जो आपसे संबंधित हो। द क्वीन ऑफ कैरिश्मा, ओके, we do have the high priestess card, ace of intelligence, hamare paas hai three of wisdom, this is the three of cups, wheel of fortune, yahan pe hai eight of strength, eight of wands, yahan pe hai the moon card, great। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कैरिश्मा, ओके। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर पाइशिस स्कॉर्पियो एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा पाइशिस। सो यहाँ पे है मीन राशि, यहाँ पे है कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे है सिंह वृषभ कुंभ और वृश्चिक राशि, यहाँ पे है मेष सिंह धनुराशि, यहाँ पे है वी डू हैव द कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मीन राशि और लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 3, 10, 8 and 18, दैट इज 9, ठीक है। 2, 3, 8, 10, 8 + 2 = 10 एंड वी डू हैव द 18, दैट इज 9। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिनेरियो है। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आपके जिंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। सो आई होप थोड़ा मुझे ना एडजस्ट करना है ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। हाँ, अभी आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे ही रहे होंगे। सो विद इन द नेक्स्ट 7 डेज व्हाट कैन हैपन इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे है फॉरगिवनेस, ओके, यहाँ पे है इमोशनल फ्रीडम, यहाँ पे है इनर पीस, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पैटिबिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेरेंडिपिटी, मीन्स ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, ओके। मुझे इस तरह से दिख रहा है अगले 7 दिनों में आपका किसी से मुलाकात होना, उसके साथ लंच डेट या डिनर डेट पे जाना, मे बी फॉर बिजनेस रीजंस आप जा रहे हैं, मे बी आपके कंपनी आपको भेज रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर कि आप उस कंपनी में जाए, उस कंपनी के एम्प्लॉयज या बॉस के साथ, ठीक है, इंटरेक्शन करें, उनके पॉलिसीज को जानने की कोशिश करें, उनके काम की तरीका को जानने की कोशिश करें, या आप एज अ रिसर्चर या आप खुद ब खुद इनिशिएटिव लें कि मेरा बिजनेस तो इस तरह से चल रहा है, ठीक है, और मुझे आगे बढ़ना है, इस बिजनेस को यहीं पर सीमित नहीं रखना है, आगे बढ़ाना है बिजनेस को, एंड सो दैट आई वांट मोर प्रोग्रेस। इसी अनुसार हो सकता है कि आप किसी के पास जाओ और जाते जाते ऑब्वियसली यू हैव टू टेक लंच विद देम, यू हैव टू टेक डिनर विद देम, सो आई ऑल्सो डू फाइन लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए पर्सनली हो सकता है कि वीकेंड्स में आप अपने ही पार्टनर के साथ, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं रहते, लेकिन आपने वीकेंड्स में, ठीक है, एक परफेक्ट डेट बना लिया है एंड विद इन द नेक्स्ट 7 डेज में बी यू गेट सम टाइम अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिस टाइमिंग्स एंड यू गो फॉर डेट।
चाहे वो एक कॉफी शॉप में हो, चाहे वो फास्ट फूड आउटलेट या रिटेल आउटलेट्स में हो, शॉपिंग मॉल में हो, कहीं पे भी हो, आप दोनों एक दूसरे से साथ मुलाकात कर रहे हो. यू आर हैविंग आइसक्रीम्स, यू आर हैविंग चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग, और यू आर गोइंग फॉर अ लंच डेट और अ डिनर डेट. नाउ क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि क्यों इतना दिन से आपको बेचैनी हो रहा था. कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, कुछ दिनों से ही आपकी तबीयत में कुछ इस तरह से था कि अचानक से आपको कुछ याद आ रहा था और आपको बेचैनी हो रही थी. आपको लग रहा था कि सामने जो है वो कुछ डर है या भय है या संकट है. सो कहीं ना कहीं पे जो भी है, जैसा भी है, सारे प्रॉब्लम्स जो है उसका जो जड़ होता है ना, मूल पार्ट, द बेस ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग टू गेट रिजॉल्व्ड. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, अगर आपकी इश्यूज थे किसी के साथ, चाहे अपने भाई, चाहे अपने बहन, चाहे अपने रिलेटिव्स, चाहे अपने क्लोज फैमिली बॉन्ड्स या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, एनी लवेबल रिलेशनशिप ऑल्सो, सो इट इज़ गोइंग टू एन एंड. मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है, मसला जो है वो हल होगा. किस तरह से वो हल होगा, बट इनिशिएटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ही ले रहे हो, ठीक है, आप ले रहे हो, ना कि वो इंसान ले रहे हैं. आप इनिशिएटिव लेके उस चीज़ को सही कर रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लगता होगा कि अगर मैं अप्रोच करूँ, हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो मैं क्यों ना करूँ, ठीक है, मैं उस चीज़ को क्यों कंटिन्यू करूँ. उसी तरह से आपके मन इस तरह से हो सकता है. कुछ लोगों के लिए आप लोग कुछ मे बी एडवर्टाइजमेंट्स देंगे, पेपर एड्स, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स देंगे, पेपर एड हो सकता है, उसमें से आप अपने रिश्ते के लिए देंगे, या हो सकता है यू विल जस्ट पब्लिश सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स लाइक हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर रेंट, इस तरह से हो सकता है. और वो अखबार पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आपके और आ सकता है, या आप हो सकता है कि कोई न्यू स्टार्टअप खोलना चाहे और इसीलिए आपको इन्वेस्टर चाहिए. आपको तो कोई चाहिए ना बिजनेस रन करने के लिए, तो कोई इन्वेस्टर के लिए आप मे बी एड दे, एडवर्टाइजमेंट से, और वो आए आपके पास मिलने के लिए. सो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मीटिंग्स दिख रहा है मुझे, इंटरेक्शंस दिख रहा है. उसी के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है, आपको कोई सपना दिख सकता है ऑफ अ पर्सन हु इज़ नो मोर. मतलब इस दुनिया में वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके सपने में वो जीवित होके आपके साथ कुछ बात कर रहे हैं. मे बी दे वॉन्ट टू गिव यू सर्टन मैसेजेस, या ऐसा हो सकता है आपकी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड उस इंसान को चाह रहे हैं या उस इंसान को डिमांड कर रहे हैं बोल के आपको इस तरह का सपना दिखाई दे सकता है. मे बी यू फील लाइक वो इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं थ्रू द सुपर नेचुरल वर्ल्ड. सो आई डू फाइंड लाइक दैट बिकॉज यू आर सो मच स्पिरिचुअल. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आप बिल्कुल सारे चीज़ों को भूल जाएंगे एंड भूलने की कोशिश करेंगे उस इंसान को, और लेट गो कर देंगे, रिलीज कर देंगे. रिलीज करने से क्या होगा, आपके पेन, आपके प्रॉब्लम, सब कुछ जैसे गायब, चुटकियों में गायब, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यू विल ऑल्सो गेन फाइन क्लैरिटी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इफ यू आर इन एकेडमिक्स, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और थियोरीज क्या बोल रहे हैं. आप जानते ही है, अगर आप एक स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आपको पता चलेगा कि एक एक थियोरी का स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल में क्या हो सकता है, क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं एग्जाम्स में, एवरीथिंग विल बी क्लियर. और यू कैन मीट अ प्रोफेसर हु इज़ वेरी नॉलेजेबल, जो आपको बिल्कुल उस तरह का ट्रेनिंग देंगे ताकि आप फाइनल एग्जाम में जाके बहुत ही अच्छा स्कोर्स लेके आओ. कुछ लोगों के लिए पार्टी सेलिब्रेशन, जैसे आपके किस्मत, जैसे हो रहा है ना कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे किस्मत का पहिया जैसे आपके फेवर में जा रहा है. यू आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, मे बी यू आर गोइंग टू अटेंड सर्टेन वेडिंग सेलिब्रेशंस, शादी, ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड का, या हो सकता है कि अपने भाई का, अपने बहन का, हो सकता है दूर की रिश्तेदार का, बट बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो. और जब लोग, सब लोग एक साथ होते हैं ना,
क्योंकि सब लोग तो हमेशा ही एक साथ नहीं हो पाते हैं ड्यू टू देयर वर्क कमिटमेंट्स, या वो लोग मैरिड है तो इस ओकेशन में सब लोग आते ही है। तो सब लोग का जो है इनविटेशन कार्ड भेजा जाता है, तो एवरीवन कम्स। सो व्हेन दे कम यू विल फील लाइक दैट यू आर नॉट लोनली, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सब लोग हैं। ये खुशी जो है आपके मन में जरूर होगा विद इन द नेक्स्ट 7 days। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट आप कोई अपॉइंटमेंट ले रहे हो कोई लॉयर का, क्योंकि आपको कुछ दस्तखत करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और उससे पहले आप कोई लीगल कंसल्टेशन चाहते हैं, आप कोई एक सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, तो उससे पहले हो सकता है कि आपको कोर्ट में जाना पड़े या लॉयर के पास आपको जाके पूरी तरह से उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, और वो सिर्फ वही से आपको समझा सकते हैं जो लॉ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। सो मे बी इट्स लाइक दैट, मे बी विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल बी प्री ऑक्यूपाइड विथ योर ओन वर्क। आपका अलग सा हो सकता है कि नहीं आप वीकेंड्स में एंजॉय नहीं करेंगे, कुछ लोगों के लिए यू विल बी बिजी विथ योर ओन वर्क क्योंकि आपको अपने काम को कंप्लीट करने पड़ेंगे, वरना हो सकता है कि आपके जगह पर कोई और को ठीक है रिक्रूट कर दे या उस पोजीशन को दे दे जो आप डिजर्व करते हो। सो यू विल नो मोर गेट अटैच्ड विद एनी टाइप ऑफ थिंग्स। सो आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। आपके पर्सन आपको डेफिनेटली ऐसा समझेंगे कि उसका भी तो वर्क कमिटमेंट है, वो भी क्या करेगी, वो भी क्या करेगा, तो हम दोनों आपस में समझौता कर ही लेते हैं। हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड है, आप बोथ यू आर वर्किंग, हो सकता है कि कभी कभार हो मतलब प्रॉब्लम्स आ जाता है कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप बोलते हो कि वो मुझे टाइम नहीं देता है। सो कहीं ना कहीं पे देयर इज लाइक यू नो व्हाट, देयर इज अ गैप व्हिच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, आप दोनों में फासले जैसे बढ़ते जा रहे हैं। बट विद इन द नेक्स्ट 7 days आप ये रियलाइज करोगे कि टाइम वर्क कमिटमेंट्स भी होते हैं, सो हम उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड टू अर्न मनी, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं हमें तो पैसा रोजगार करने हैं। तो इससे क्या करेंगे ना, आप लोग एक दोनों मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे कि कब आप लोग एक साथ मिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं आगे, फ्यूचर में फैमिली क्या होगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। सो आई ऑल्सो डू फाइंड विद द हाई प्रिस्टेस एंड द मून कार्ड दैट आपको पैरानॉर्मल इवेंट्स, सुपर नेचुरल चीज़ें, वट आर एक्चुअली ऑकल्ट थिंग्स। ऑकल्ट क्या होता है, ऑकल्ट होता है कि जनरली जो अबव द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा ठीक है, वो चीज़, वो एक ऐसा शक्ति जो जनरली हम वही विश्वास करेगा, वही महसूस करेगा जिसके साथ हुआ हो। सो डिफरेंट पैरानॉर्मल इवेंट्स हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस करें या आप महसूस करें कि आपके आसपास बहुत कुछ इंडिकेशंस है ठीक है, बट लोग नहीं समझ पा रहे लेकिन आप समझ पा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट चीज़ आप आसानी से पकड़ रहे हो, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से आप पता कर पा रहे हो लोगों की इंटेंशन क्या है, क्या वो क्रूकेड है, क्या वो सरल है, क्या वो सिंपल है, क्या वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू रियलाइज मैनी थिंग्स, एंड मुझे यहाँ पे 100% कन्फर्मेशन है जो दरवाज़ा आपके लिए बंद हो चुका था एक समय पर, बट वो दरवाज़ा फिर से आपके लिए खुल रहा है। सो इट्स लाइक यू नो अचीवमेंट्स दैट आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। सो यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ओके यहाँ से ही देखते हैं बेटर। सो नेक्स्ट 7 days में आपके लिए क्या हो सकता है, आई टोल्ड यू कैन कॉफी शॉप, कॉफी डेट, व्हील ऑफ फॉर्चून ट्वाइस, तो यहाँ पे मैंने आपको यही कहा था, आप अपने काम पर बहुत बिजी होंगे ये भी मैंने कहा था, आपके फेवर में कुछ चीज़ें डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली होंगे, यहाँ पे आप अपने टारगेट्स में ज़रूर पहुँच पाएंगे। कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फास्ट फास्ट आपको मूवमेंट ठीक है, आपको अपना लगेज लेकर हो सकता है दूसरा डेस्टिनेशन पर जाना पड़े ड्यू टू सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है ऐसा है। कुछ लोग ऑलरेडी ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में ना भटक रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं है, कुछ नकारात्मक सोच आपको कैद कर रहा है,
बट विद इन द नेक्स्ट 7 डेज जब आप अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे तब आपको ऐसा नहीं लगेगा विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, सो दिस इज, देखो फेलियर के बाद सक्सेस होता ही है और सक्सेस के बाद अगेन फेलियर, फेलियर सक्सेस, ये लगा हुआ रहेगा। देर इज नथिंग लाइक दैट, एक इंसान का सक्सेस है तो सक्सेस ही है, दैट इज देन अ फॉल्स थिंग। ठीक है, सक्सेस के बाद फेलियर, फेलियर के बाद अगेन देर विल बी अ सक्सेस फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड यू हैव एंजॉयड इट एंड यू विल फॉलो माई एडवाइस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अलॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।